बस एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। बस एक इंजीनियर। पैकेज अच्छा लग जाए और क्या चाहिए? With accuracy, yes. Around 120. बनाया तो 180 है। 180? IT अबे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी। ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसलिए। गवर्नमेंट के में अच्छे रैंक आ जाए, मजे ही मजे। बैंगलोर में बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है, मजे ही मजे। ये ड्रीम होता है गवर्नमेंट के एस्पायरेंट्स का, जो कि भी पेपर चल रहा है। चले उनसे बातें करते हैं, कितने मजे रहे पेपर को देकर के, कितने मार्क्स की पॉसिबिलिटी बन रही है। और जो सिलेबस का जो स्कीम है, जो कि 33% 11th के पोर्शन से एंड 67% 12th के पोर्शन से आता है, तो कितना हद तक अभी के पेपर में वो सिनेरियो बना रहा है। चलिए आ रहे कैंडिडेट से बातें करते हैं। एंड पटना लाइट के इस एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कैसा जेई के कंपैरेटिवली? इजी। ओके, एंड व्हाई वांट टू बी इन ए कॉलेज व्हिच इज लोकेटेड इन बेंगलुरु? आईटी अब तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लिए। क्वेश्चंस कैसा रहा? जो सिलेबस का जो स्कीम है कि 12 से 67% वेटेज होंगे एंड 11 से 33%, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो रहा पेपर में? वैसा ही रहा। और जो जेई का रिलेटेड क्वेश्चंस था उससे भी क्वेश्चंस उससे भी थे। अच्छा, पेपर कैसा लगा? मतलब इजी वन बन गए या फिर कुछ डिफिकल्टी थी? थोड़ी डिफिकल्टी थी कोई किस में? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में? सब में उस वैसा था। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया? सारे करने थे बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं। ओके, बट फर्स्ट राउंड में जितना आता था उसमें टाइम सफिशिएंट लगा। कैसा रहा पेपर? इट वाज गुड। ओके, कितने अटेम्प्ट कैसे रहे? अटेम्प्ट तो सारा कर दिया है, उसमें नेगेटिव मार्किंग था नहीं। ओके, एंड जो डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस जो आने थे वो आए कि नहीं आए? कुछ कुछ थे। एंड वेटेज वही रहा जो स्कीम में मैं मेंशन था, 67% फ्रॉम 12th एंड 12th का ज्यादा था। मजा आया पेपर देख के। एंड व्हाई वांट टू चूज अ कॉलेज व्हिच इज लोकेटेड इन बेंगलुरु? बस दे दिए। ओके, ऑल द बेस्ट। मजा आया पेपर देख के। क्वेश्चंस के कैसे लगे, पैटर्न वगैरह सब ठीक थे? ठीक थे। कितने क्वेश्चंस बन पाए विथ एक्यूरेसी? 100? ये तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ओके, जो वेटेज था कि लाइक 67% आएंगे आप 12th पोर्शन से एंड 33% फ्रॉम 11th पोर्शन, तो वैसा ही कुछ सीन था या फिर कुछ बड़ा है? नहीं, वैसा ही रहा है। अच्छा, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ किस पार्ट से रहा, लाइक मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, किससे? मेरे लिए फिजिक्स ज़्यादा टफ रहा। वह ज़्यादा न्यूमेरिकल थे या मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे? लगभग सेम ही थे। एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड या उससे अलग? एनसीईआरटी बेस्ड। जेई में क्या परसेंटाइल रहा था? जेई नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया था। अच्छा, जस्ट आप चाहते हैं बेंगलुरु में एडमिशन लेना, क्या कारण है बेंगलुरु को चूज़ करने के पीछे का? वैसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। अच्छा, कौन से कॉलेज वैसे चूज़ करना चाहते हो? एनी ड्रीम कॉलेज फ्रॉम बेंगलुरु? नहीं, वैसा तो कुछ बात नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चला। कितने बनाए? बनाया तो 180 है। 180? हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के सीन थे नहीं। विथ एक्यूरेसी बताओ कितने वाला है? विथ एक्यूरेसी मेरा मैथ में 40 जाएगा ही और फिजिक्स में थोड़ा लो चला गया, लेकिन केमिस्ट्री एन एवरेज मेरा मतलब 120 प्लस रहेगा। फिजिक्स में क्यों लो चला लगा? फिजिक्स में लो चला इसलिए लगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा था। अच्छा, न्यूमेरिकल के तुलना में। अच्छा, तैयारी थी न्यूमेरिकल की, एक्सपेक्टेशंस न्यूमेरिकल्स का था। व्हाई वांट टू बी इन अ कॉलेज व्हिच इज लोकेटेड इन बेंगलुरु? ये तो अभी नॉलेज नहीं है मेरे को इसका। हां, गवर्नमेंट कैसे ही अप्लाई कर दिए क्या? वो भैया अप्लाई किया था। अच्छा, जेई में क्या परसेंटाइल हुआ था? जेई में मेरा 93.4 था। अरे वाह, 0.3 से 0.1 ज्यादा। अच्छा, तब तो काफी इजी लग रहा होगा ये पेपर। हाँ, इजी था, मॉडरेट पेपर कहेंगे। बस ये था कि अगर मैथ कोई मैथ पहले अचीव करता तो 40 प्लस स्कोर करता, लेकिन मैथ अंतिम में के तो टाइम बचा नहीं और फिर कुछ तुक्का मारना पड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, व्हाई यू वांट टू बी इंजीनियर? अच्छा, बस ऐसे ही सब बोल रहा है, कर लो। ऐसे ही सेक्सी लगा। काफ़ी इजी था। तो अच्छे अटेम्प्ट हुए होंगे विथ एक्यूरेसी? बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया गया। अटेम्प्ट तो सारे कर दिए, सारे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, सारे किए। एंड वीक विथ एक्यूरेसी कितने अटेम्प्ट किए? विथ एक्यूरेसी 80%, 80-85%। अरे वाह। एंड बेंगलुरु क्यों चूज करना चाहते हो? यू आर लुकिंग टू सिलिकॉन वैली है, तो क्या ही कर सकते हैं आप तो। एंड ऐसा लगता है कि वो टू वांट टू बी इन मॉडलिंग एटसेट्रा, कुछ वैसे चीज का ऐसा कुछ? बस एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। बस एक इंजीनियर। पैकेज अच्छा लग जाए और क्या चाहिए? लाइफ सेट है। अच्छा, मतलब इतना कॉन्फिडेंट है कि इंजीनियर का लाइफ सेट हो जाएगा, बेंगलुरु जाएंगे कुछ अच्छे कॉलेज में तो? हाँ, बिल्कुल। नॉर्थ में ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब साउथ में तो सिलिकॉन वैली है, बेंगलोर तो कोई बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कैसा रहा, जो वही 12th में ज़्यादा थे? हाँ जी, 12th वाले ज़्यादा थे। ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन या फिर ज़्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड या मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन? 50-50 थे। 50-50
अगर कोई थोड़ा भी ट्वेल्थ अच्छा से पढ़ा होगा, एलेवेंथ अच्छे से पढ़ा होगा, बेसिक क्लियर होगा, आराम से निकल जाएगा। ओके, अच्छे रैंक आ जाए, मजे ही मजे उसके क्या चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड हाउ इज योर पेपर? गुड। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तन्मय। सो तन्मय, कैसा लगा आज का पेपर देने का एक्सपीरियंस? पेपर में आपको स्पीड की ज़रूरत थी, अगर आपके पास स्पीड है और आप बना सकते हैं क्वेश्चंस। मैंने अराउंड 20 मिनट्स पहले अपना पूरा पेपर फिनिश कर लिया था। केमिस्ट्री मॉडरेट था, फिजिक्स का लेवल थोड़ा अच्छा था, मेंस लेवल का था, मैथ्स वाज समवॉट अराउंड बोर्ड लेवल। ओवरऑल अच्छा पेपर था। अच्छा। और आपको स्पीड है आपके पास तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, बेंगलुरु आपने एज अ सिटी क्यों चूज करा? बेंगलुरु सबको पता आईटी हब है, नंबर ऑफ कंपनीज वहाँ ज़्यादा है, तो कॉलेजेस वहाँ पे ब्रूम इसलिए करते हैं क्योंकि प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, प्लस द एनवायरनमेंट ऑल अराउंड। और मैं बेंगलुरु से में अच्छा आता जाता भी रहता हूँ, तो मुझे आइडिया भी उस जगह का अच्छा अच्छा मतलब पसंद है वो सिटी। ओके, नेक्स्ट ईयर जो कमेंट के देंगे उनके लिए कुछ आपके तरफ से? नेक्स्ट ईयर मैं यही बोलूँगा कि आप स्पीड पे फोकस करें, स्पीड इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है। अगर आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जेई का क्या परसेंटाइज हुआ था आपका? 92.46। इसमें तो ज़्यादा ही उम्मीद करेंगे। ओके, विश की मिल जाए आपको बेंगलुरु में आपका ड्रीम कॉलेज। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तन्मय। बढ़िया। जेई के कंपैरेटिवली? नहीं नहीं वैसा नहीं था, मतलब उससे ईजी। हाँ हाँ, थ्योरी ज़्यादा थे, चल मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे। मज़ा आया पेपर देखे। अच्छा, ज़्यादा टफ क्या लगा? मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, मेरे को केमिस्ट्री लगा ऐसे, केमिस्ट्री था नहीं टफ बहुत। ओके, मैथ सही था? मैथ सही था। सारा मैथ जो था ज़्यादा सॉल्यूशन थे उसमें, कैलकुलेशन ज़्यादा था या फिर तुरंत सॉल्व हो जा रहे थे? मैक्सिमम तुरंत सॉल्व होने वाले थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, है ना। एंड फिजिक्स में? फिजिक्स थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स था, लेकिन वो भी छोटे छोटे कैलकुलेशन थे। कैसा अटेंडेंस, कैसा एग्जाम हॉल का? सब कोई आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए? ऑलमोस्ट। तो क्या चूज करोगे, बेंगलुरु का कॉलेज या फिर जो जेई से? देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जस्ट टेकिंग अ फीडबैक अबाउट द पेपर। अच्छा था। जेई के कंपैरेटिवली कैसा रहा? लेंथी था बट इजी था, बट उतना हार्ड नहीं था। किस सेक्शन वाला लेंथी लगा, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स? किस में मैथ्स वही थोड़ा लेंथी था एज यूजुअल, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना भी कुछ हार्ड नहीं था, ठीक ही था। फिजिक्स थोड़ा था मतलब लेंथियर टाइप में और केमिस्ट्री तो यूजुअल। ओके, आउट ऑफ 180 कितना अटेम्प्ट आपने विथ एक्यूरेसी करा? Yes. Around 120. And आप किससे चूज करना चाहो कॉलेज, जेई वाले मैथ से या फिर ये कॉमेट के से? जेई वाला तो उतना अच्छा नहीं गया था, 94% आए थे, तो इसमें अगर अच्छा मिल गया तो इसी के थ्रू कॉमेट के थ्रू। एंड बेंगलुरु के सिलिकॉन वैली बहुत अच्छा, वहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आगे, ये भी एक कारण हो सकता है उसे चूज करने का। NIT मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ यार, गवर्नमेंट कॉलेज का अलग ही मज़े होते हैं। ओके, आई स्टिल विश कि आपको NIT मिल जाए। ऑल द बेस्ट। सो दिस वॉज द अपडेट अबाउट कॉमेट के पेपर 2024। पेपर आसानी है, जो वेटेज जो बताई गई थी सिलेबस में उसी से आए हैं क्वेश्चंस। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पढ़ना राइट, एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट, बिकॉज इस तरह का एक्नॉलेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाते रहता हूँ।